हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजू सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है जी। इसी क्वेश्चन का आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे जी। ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, इसकी सहायता से हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। देन ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है जी, इसकी सहायता से ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग करना क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन बनाना है। ये आप लोग के एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर में एग्ज़ाम में एनी टाइम एक क्वेश्चन ऑलरेडी रहता है जी। तो हम लोग बनाएंगे अभी, सेम टू सेम हम लोगों को बना देना है। कैसे सेट स्क्वायर यूज करना है जी, सेट स्क्वायर यूज करके कैसे बनाया जाते हैं, यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर लेना है, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा जी। इस तरह सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेंगे जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे लेते हैं जी, सेट स्क्वायर को दो थोड़ सेट स्क्वायर होता है, एक वाला को नीचे रखेंगे, एक वाला को ऊपर, देखिए। और इधर पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर क्या करेंगे जी, प्रॉपर इक्वल रखेंगे। क्लियर हो रहा है जी यहाँ पर? तो अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी? उसका एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ से एक लाइन हम और ड्रॉ कर लेते हैं जी। यहाँ से ये लाइन हमारा हो गया। क्लियर हुआ जी? उसके बाद नीचे वाले सेट स्क्वायर पर रख के देन ऊपर वाला जो बेस लाइन है उस पर कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो गया जी। क्लियर हो रहा है जी? अब उसके बाद देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये सेंटर हम यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ से देखिए राइट सॉरी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में हम लोग जितना जितना दूरी दिया है जी, उतना उतना का दूरी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग बताए थे जी, आइसोमेट्रिक यूज करने लिए ये वाला सेट स्क्वायर यूज करते हैं, यानी इस सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हैं जी। और वहीं ऑब्लिक पूछता तो ये सेट स्क्वायर हमारा यहाँ पे रहता और ये वाला सेट स्क्वायर यहाँ पे मूव करते। क्लियर हो रहा है जी? तो हम लोगों को आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने थे, इसलिए ये वाला सेट स्क्वायर ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ से इस तरह लाइन हो गया। फिर अभी इधर का खींचना हो तो सेट स्क्वायर को यहीं पर पलट देंगे ऐसे जी। और पलटने के बाद यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद बीच से सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी? इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग दूरी भर लेंगे जी। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 35 और 15 कितना हुआ जी, 50 हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टोटल 50 का दूरी ले लेंगे सेट स्क्वायर में। उसके बाद 15 है जी, 10 5 15 ये हुआ, देन 35 ये। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए इसका हाइट टोटल कितना है जी, 20 10 30 और 15 45 है जी। टोटल हाइट कितना है हमारा, 45 है, 45 है। तो हाइट भी 45 ले लेंगे। तो ऊपर से कितना है जी हमारा, ऊपर से हमारा 20 है, फिर हमारा 10 है। क्लियर हो रहा है जी? ऊपर से 20 10 फिर 15। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में टोटल मेजरमेंट कितना दिया है जी, इसको काउंट कर लेंगे जी। तो ये तो 15 15 दूना 30 हो गया जी, 30 और 25 55 और 20 75। टोटल है हमारा जी, टोटल मेजरमेंट है 75 है। तो देख लेंगे जी दोनों साइड से 15, फिर इधर से भी 15। उसके बाद देखिए दोनों साइड से 12.5 12, तो 10 2 12, 12.5 12, फिर 10 2 12। क्लियर हुआ? और बीच में कितना है जी, 10 10 का
क्लियर हुआ जी, इतना मेजरमेंट समझ में आ गया कैसे ये मार्किंग पॉइंट किए हैं। अब मार्किंग पॉइंट करने के बाद इसको सीट स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और एक सीट स्क्वायर का जो है ये इसको नीचे रखेंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से रखने के बाद जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी सभी से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ, जो भी मार्किंग किए हैं जी सभी से हम लोग जो मार्किंग पॉइंट है वहाँ से भी लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए हर लाइन का देखिए कहीं ना कहीं यूज है जी, इसलिए आप लोगों को देखिए ड्राइंग बनाते समय कई प्रकार की पेंसिल का यूज कीजिए जी। अभी जो बना रहे हैं ये सब बनाने के लिए आप लोग पतला पेंसिल या जो पेंसिल हल्का चलती हो उसकी सहायता लेंगे। देखिए इस टाइप का हम लोग ग्राफ बना लिए, देन इधर भी सेम प्रोसेस, इधर भी जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, फिर यहाँ से भी वही काम। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए अब जो भी मार्किंग की है जी यहाँ से सीट स्क्वायर को बैठा के, सीट स्क्वायर को बैठा के इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। फिर सीट स्क्वायर को इधर से करके ये वाला भी हम लोग यहाँ से बैठा लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से ये जो है जी मेजरमेंट यहाँ से फिर ये दूरी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद जो यहाँ से पॉइंट है जी लास्ट पॉइंट यहाँ से दूरी, उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए इतना करने के बाद आगे देखिए क्या करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा बन गया जी। उसके बाद देखिए डार्क करेंगे तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। उसके बाद देखिए यहाँ से भी एक लाइन ऐसे गया है जी, कितना पे है जी 15 पे। तो सेट स्क्वायर को बैठा के यहाँ से जो 15 मार्किंग किए हैं जी, कहाँ से ये 15 मार्किंग किए हैं जी, तो ये 15 हमारा ये हुआ। देन उसके बाद हमारा ये वाला कितना है जी 10 पे मार्किंग पॉइंट है, तो ये वाला 10 पे। क्लियर हुआ जी। इतना समझ में आ रहा है जी, तो इतना समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए अभी इतना ग्राफ तैयार हुआ आप लोगों के सामने, अब इसको हम लोग डार्क करने के बाद आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे जी यहाँ से किस किस पार्ट को डार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 15 और 12.5 का, फिर बीच में 20 का गैप छोड़ना है जी, तो ये हुआ। क्लियर हुआ जी। यहाँ से ये जो दोनों दूरी हो गया। उसके बाद देखिए हाइट इसका जो है जी हाइट, अब हाइट ले लेंगे जी, हाइट हम यहाँ से दोनों साइड से हाइट लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये हाइट इधर भी हम लोग हाइट ले लेंगे। हो गया इतना हाइट लेने के बाद, उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग डार्क कर दीजिए। फिर हम इस पॉइंट को भी डार्क कर देंगे। समझ में आ रहा है जी। देखिए जैसे जैसे हाईलाइटेड यहाँ पे कर रहे हैं जी,
आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगा जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितना गया जी, 15 फिर उधर से भी 15, तो हम यहाँ से 15 और फिर हम यहाँ से भी 15। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे जी। इसके बाद ये वाला पूरा है जी, टोटल दूरी ये है, और उसके बाद ये जो दूरी है जी, यहाँ से टोटल है। समझ में आया इतना? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे तक हाइट कितना आया है जी, 20, 10, 30 तक आया है जी नीचे, तो यहाँ से 30 तक हाइट, फिर यहाँ से भी 30 तक हाइट हम ला लेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ से अंदर कितना है, 12.5, फिर इधर से भी 12.5, तो दोनों साइड से यहाँ से ये गया है जी ऊपर की तरफ 12.5, और यहाँ से ये नीचे आया है जी 12.5, फिर हम यहाँ से नीचे आए हैं जी, फिर ये वाला नीचे हुआ। क्लियर हुआ जी? इतना तक फाइनल हुआ अभी, देन इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पे अब सीट स्क्वायर को देखिए, फिर नीचे बैठाएंगे जी, और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से यहाँ से रख के हम लोग ये मिला दें, फिर हमको यहाँ से फिर ये वाला और फिर यहाँ से ये तीनों पॉइंट हमको यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद ध्यान देंगे जी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना दिया है जी, 10 ही दिया है, तो 10 मेजर कर लेंगे जी। सॉरी थोड़ा सा पेज देखिए इधर उधर हो गया, यहाँ से 10 दूरी ले लेंगे जी, 10 दूरी ऑलरेडी मेरा क्या है जी यहाँ पे आ गया है जी, ये वाला हम लिए हैं जी। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको डार्क करेंगे जी, तो डार्क देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, डार्क करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए ये वाला दूरी हुआ, उसके बाद ये जो 30 पे है जी, ये दोनों साइड में इधर भी और इधर भी, और यह दूरी भी हमारा यहाँ से है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये दूरी देखिए प्रॉपर बन गया जी। उसके बाद यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे जो ये लाइन है, इसको हम लोग डार्क कर देंगे, डार्क बिल्कुल डार्क कर दीजिए, यहाँ से फिर ये भी हम लोग डार्क कर देंगे। क्लियर हुआ जी? इतना हमारा ये ग्राफ बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला तो हमारा फाइनली ये बन चुका है, उसके बाद ये वाला पार्ट हमको बनाना है, ये वाला पार्ट, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठा दीजिए आप लोग, सेट स्क्वायर को ऐसे रख के, और ये जो 90 पे है जी, यहाँ से 90 पे लंब नीचे आएंगे जी, 90 पे लंब नीचे, देन यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हम लोग इसको ये मिला दिए, फिर हमको सेट स्क्वायर ऐसे करके यहाँ से इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे, अब डार्क कर दीजिए, काफ़ी बेटर हो जाएगा जी। डार्क देखिए कैसे, ये वाला लाइन हमारा ये हुआ, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से डार्क कर देंगे जी, और उसके बाद इस पार्ट को डार्क कर देंगे। देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, सेम टू सेम ऐसा ही आइसोमेट्रिक ये फिगर बन के हमारा रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ? देखिए ये जो भी लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाला इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए जो स्पष्ट रेखा है उसको क्या किया गया है जी, हम लोग ऑलरेडी डार्क कर चुके हैं। क्लियर हुआ जी? हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे
डार्क कर चुके हैं जी, जो जो भी भाग हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक पार्ट और छूट गया है जी यहाँ पे, ये जो 30 पे यहाँ से ये लाइन मिला हुआ है जी, कौन सा, ये वाला लाइन, तो हम लोग ये वाला लाइन नहीं मिला है इस रेखा को, तो सेट स्क्वायर को बैठाएंगे यहाँ पे जी, और बैठाने के बाद सेट स्क्वायर को सही से रखने के बाद यहाँ से इसको ये मिला देंगे। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा फाइनली फिगर बन के रेडी हो गया जी। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग इसका डाइमेंशनिंग करेंगे जी। डाइमेंशन कैसे दिखाते हैं जी? तो डाइमेंशन दिखाने का फर्स्ट आपका रूल है कि 3 mm का गैप और 6 mm का दूरी रखते हैं, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है जी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन निर्माण कीजिए, बेटर रहता है जी, थोड़ा सा फिगर अच्छा भी दिखता है और डाइमेंशन भी बनाने में आपको काफ़ी आसानी होता है जी, दिखाने में, मेजरमेंट दिखाने में काफ़ी आसानी होती है। क्लियर हुआ जी? देखिए ये जो 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जी, आपस में उसको दो भाग में बांटते हैं। उसके बाद ये एरो हेड है जी, एरो हेड यहाँ पे दिखा दिया जाता है, और इसके बाद मेजरमेंट दिख दीजिए, ये वाला 15 है, ये वाला 35। क्लियर हुआ जी? उसके बाद देखिए ये वाला जो भी है अभी इधर का है जी, लेफ्ट साइड का, तो 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, फिर 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सेम काम सभी जगह, सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी रखेंगे, फिर 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सभी जगह जी सेम प्रोसेस, आप लोग भी अपनाइएगा, ऐसा फिगर ऐसे बनाइएगा डाइमेंशन मिलाकर, तो आपका गलती होने का चांस ही नहीं बनता है। अब ये जो मार्किंग पॉइंट है जी, सबको एक दूसरे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करें, एरो हेड यहाँ पे दिखा दीजिए, एरो हेड कौन कितना मेजरमेंट है जी, उसको दिखाने के लिए देखिए एरो हेड का रेशियो होता है 1:3, लेकिन लगभग में लेके चला जाता है जी, एक दो एम एम इधर उधर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्लियर हुआ? उसके बाद इसका दिखा दीजिए, ये टोटल 15 है, ये 12.5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 12.5 है, और ये 15 है। क्लियर हुआ? तो हमारा इधर वाला भी डायमेंशन हो गया और ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखिए इसका टोटल हाइट हम लोग दिखा देंगे जी, हाइट हम लोग टोटल दिखा दीजिए कितना है जी, टोटल हाइट हमारा यहाँ पे टोटल हाइट है जी इतना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, फिर यहाँ पे भी वही काम किया जाएगा, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, देखिए इन सभी को यहाँ से एरो हेड से दिखा देंगे, और दिखाने के बाद ये वाला हमारा 15 है, 10 है और 20 है, टोटल ऐड कीजिएगा तो हमारा कितना होगा जी, 45। क्लियर हुआ जी? उसके बाद इसको लिख दीजिए, ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, देखिए ये वाला व्यू हमारा है टॉप या प्लान व्यू भी कहते हैं, इसको फ्रंट या एलिवेशन, क्या कहते हैं, फ्रंट या एलिवेशन व्यू भी
उसके बाद ये वाला हमारा साइड व्यू क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा दिया जा लिख दिया जाता है ये हमारा क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू, उसके बाद नीचे लिख दीजिए ऑल डाइमेंशंस, यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया। ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए।